हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम, अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती। हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम, अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार। जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम, अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज फिर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन के, एकदम संभावना होते हैं ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने का। तो औसत एवरेज और एज प्रॉब्लम यानी आयु समस्या पर आधारित जो प्रश्न है इसको मैं करवाने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और सच कहते हैं, अगर आपके अंदर मैथ का डर छिपा हुआ है आज खत्म हो जाएगा। अगर आप हमारी वीडियो पहले से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको आइडिया हो गया होगा मेरे पढ़ाने के अंदाज का। तो चलिए, और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी आएगा उसे भी दबा लीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी वीडियो मैं डालता हूँ सारे का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा। तो प्लीज चलिए, मुझे विश्वास है कि आपने ऐसा कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, आज हम अपने मटेरियल के टाइप 5 से बताने जा रहे हैं, और इस मटेरियल के बारे में, ये जो मेरा बुकलेट है इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा जो भी जानकारी आपको लेना होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन से आज, काहे कि पीछे हम पढ़ाए थे, पीछे मैंने पढ़ा दिया था टाइप 5 के, ठीक है। तो टाइप 5 में क्वेश्चन कैसे कैसे, इसका मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले किया था, ठीक है। और अब हम करने जा रहे हैं, उसमें बता दिया था मैंने कि 3-4 क्वेश्चन जो आप बना लेंगे, और आप लोगों ने बनाया भी था, कमेंट भी किया था बना के, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारा सवाल है 7 नंबर से आज शुरू करते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो कभी आप इसे कह सकते हैं कि रेशियो में आ गया, कभी कहेंगे आप औसत में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन भी वैसा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे 7 नंबर पूरी तरह औसत पर ही है। 2 फॉर्मूला आपको, एक चीज आपको सबसे पहले जानना है, फॉर्मूला तो मैं बताऊंगा है, योग के लिए आपको याद रखना है एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। मैं जब से आप लोग को औसत पढ़ा रहा हूं तब से मैं बताते आ रहा हूं योग बराबर होगा एवरेज इंटू एन। जैसे अगर मान लो 5 संख्या का औसत 10 है, ये 10 औसत दिया मैंने 5 संख्या का, तो नंबर हो गया 5, औसत हो गया 10, तो योग निकल जाएगा, 5 संख्या का योग हो जाएगा 10 × 5 = 50। तो योग जब भी निकालना हो एवरेज इंटू एन, अगर एवरेज और वो संख्या पता है कि कितना संख्या है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक बात और मैंने बताया था, सोचिए अगर ए योग बराबर एवरेज इंटू एन है, तो अगर एवरेज निकालना है एन बट्टा में भेज दीजिए, योग बट्टा एन हो जाएगा बराबर एवरेज, कहां से बट्टा में, सुनिए, अरे एन बराबर के उधर गुना में है तो बराबर के इधर आने पर भाग में ना हो जाएगा, मैथ का तरूले है कि इधर अगर प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, अगर इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में, ऐसे ही चेंज होता है ना। वही तो बात हुआ कि अगर n गुना में इधर आया तो भाग में, और उसी तरह आप n बराबर भी निकाल सकते थे, योग इधर रहेगा और एवरेज गुना में तो बट्टा में भेज दीजिए, यानी योग बट्टा एवरेज क्या हो जाएगा n। तो ये एक ही फॉर्मूला बन गया, 3 फॉर्मूला, तो ये आप अच्छी तरह याद रखेंगे। अब मान लीजिए आपको कह देगा कि 14 बच्चा है
और उनका औसत आयु 5 वर्ष है, 14 बच्चा का औसत आयु 5 वर्ष, तो एवरेज इन टू एड कर तो 14 25 70 वर्ष उन सभी का कुल आयु हो गया। बड़ी सिंपल बात। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन पर शुरू करते हैं और देखना है क्या कहता है सवाल। 7 नंबर सवाल यहाँ आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। सवाल है 6 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष है, 8 वर्ष के एक बच्चा के चले जाने से बचे हुए बच्चों का औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा। चलिए बिल्कुल, सवाल कहता है 6 बच्चों के एक समूह का औसत आयु 13 वर्ष है, 6 बच्चा के एक समूह का औसत आयु कितना है 13 वर्ष। ये 13 वर्ष एवरेज एज है, औसत आयु है कितने बच्चे का, 6 बच्चे का। तो 13 6 के 78 वर्ष 6 बच्चा का कुल आयु हो गया। अब सवाल कहता है 8 वर्ष का एक बच्चा के चले जाने के बाद, 8 वर्ष का एक बच्चा इसमें से चला जाएगा तो 8 वर्ष ही माइनस होगा ना, 8 वर्ष का एक बच्चा चला गया तो 6 बच्चा की आयु में से एक बच्चा का आयु घटा दिए, बचा 5 बच्चा का आयु, 5 बच्चा की आयु में 5 से भाग, क्योंकि 5 गो का योग ऊपर बचा तो योग बटा एन एवरेज हो गया, तो इस 5 बच्चा का औसत आयु अभी निकल जाएगा। देखिए 13 6 के 78 में से 8 गया तो हुआ कितना, 78 में से 8 गया तो 70, 70 में 5 से भाग दिया तो 70 में भाग दिया तो 14, ये 14 वर्ष सभी का औसत आयु वर्तमान में हो गया, 5 बच्चा जो शेष है उसका। सवाल कहता है 3 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगा, तो सुनिए अभी के औसत आयु में 3 जोड़ दीजिएगा ना तो 3 वर्ष बाद का हो जाएगा, और अभी के औसत आयु में मान लो 5 घटा दोगे तो 5 वर्ष पीछे का औसत आयु हो जाएगा, यानी वर्तमान औसत आयु में जितना जोड़ेंगे उतना वर्ष बाद का औसत आयु निकलेगा और वर्तमान औसत आयु में जितना घटाएंगे उतना वर्ष पीछे का निकल जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो कहता है 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो 3 जोड़ लीजिए 14 3 17 वर्ष हो जाएगा, बाकी जो 5 बच्चा है उनका औसत आयु 17 वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। 3 क्यों जोड़ा, क्योंकि बोला 3 वर्ष बाद क्या होगा, इसीलिए। तो याद रखना है ऐसे ही बनेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कह दे भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु 22 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उन सभी का आयु औसत आयु क्या होगा, तो औसत आयु दे और फिर औसत आयु पूछे तो उसमें जोड़ लो उतना है, अभी है 22, 5 साल बाद क्या होगा 22 5 27 औसत आयु रहेगा, ठीक है। चलिए और 3 वर्ष पीछे का था तो 22 में 3 घटा लेते 19, ऐसे औसत में जितना जोड़ोगे ना उतना वर्ष बाद का निकलेगा और औसत आयु में जितना घटाओगे उतना वर्ष पीछे का निकल जाएगा। अब ध्यान देना सवाल नंबर 8, प्रश्न कहता है किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु उस कक्षा के लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है, कक्षा के कुल 42 विद्यार्थी में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है तो लड़कों की कुल आयु क्या है। बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। सवाल कहता क्या है किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु उस कक्षा के लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है। कहता है लड़का के औसत आयु जो है ना लड़की के संख्या के 3 गुना, लड़की के संख्या जितना होगा कक्षा में लड़का के औसत आयु उतना उसका 3 गुना होगा, लड़की के संख्या के 3 गुना। मान लीजिए कि अगर लड़की के संख्या 20 है तो लड़का सबके औसत आयु 20 60, उसके संख्या का 3 गुना बोला है, ठीक है। अब ध्यान देना और कहता है लड़का लड़की के संख्या का अनुपात बॉय और गर्ल्स के संख्या का अनुपात दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है इस सवाल में 4:3 में। कहता है 42 विद्यार्थी है, 4:3 में लड़का लड़की की संख्या है, तो एक काम कर लो पहले निकाल लो कि लड़का कितना और लड़की कितना, टोटल है 42 स्टूडेंट, तो 42 स्टूडेंट का मतलब ये हुआ, 42 स्टूडेंट का मतलब ये हुआ कि लड़का लड़की मिलाकर 42, तो अनुपात में लड़का लड़की मिलाकर कितना 4:3 7, अनुपात में विद्यार्थी है 7 गो, लड़का लड़की मिलाकर 7 गो, और रियल में विद्यार्थी है 42, तो 7 का वैल्यू 42 हुआ, ये भी कुल विद्यार्थी है ये भी कुल विद्यार्थी, तो अनुपात 7 का मान 42 तो 1 का मान कितना 6, क्योंकि 7 6 के 42, 7 से 42 को कटिएगा, अनुपात 1 का मान 6 तो 7 का मान 7 6 के 42 हो गया। अब 1 का वैल्यू 6 तो 3 का वैल्यू 6 3 18, 1 का वैल्यू 6 तो 4 का वैल्यू 6 6 के 24, यानी हम कह सकते हैं कि क्लास में 24 गो लड़का के संख्या तो 18 गो लड़की के संख्या, ठीक है। और क्या कहता है जानते हैं, कहता है लड़कों की औसत आयु उस कक्षा के लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है,
तब लास्ट में पूछा है लड़कों की कुलायु क्या है। ठीक बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं लड़का के औसत आयु लड़की के संख्या के 3 गुना है। अरे भाई, यानी लड़का 24 को है ना, तो 24 लड़कों का एवरेज एज कह रहा है लड़की के संख्या के 3 गुना। लड़की के संख्या 18 है, इसका 3 गुना 18 + 54, लड़की के संख्या का 3 गुना है और औसत आयु, तो औसत आयु आयु वर्ष में लिखा गया, यानी 2400 लड़का का औसत आयु 54 वर्ष हुआ। ये 54 कहां से आया, क्योंकि बोला है लड़की के संख्या का 3 गुना होगा लड़का के औसत आयु, तो लड़की के संख्या 18 था, 18 के 3 गुना। अब कहता है लड़कों की कुल आयु बता दो, तो लड़कों की कुल आयु अगर आप बताइएगा तो लड़का की संख्या तो 42 है, अब 42 से गुना कर दीजिए, 24 लड़का की संख्या 24 है, लड़का की संख्या 24 वो लड़का औसत आयु 54, तो औसत आयु आई एन है, यानी नंबर है, संख्या है, एवरेज इनटू एन योग हो जाएगा 1296 वर्ष। तो लड़कों की औसत आयु लड़कों की कुल आयु 1296 वर्ष कुल आयु हो गया। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है, आगे हमारा सवाल होगा 9 नंबर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 हमारा हो गया है, अब हम 9 नंबर देखेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है और उनकी कुल आयु 44 वर्ष है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, है ना शानदार। कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है, चलो देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है, ए और बी के आयु का अनुपात 6:5 है, और कहता है 44 वर्ष और उनकी कुल आयु 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। अभी कहता है उनकी कुल आयु 44 वर्ष है, कुल आयु है 44 वर्ष, ये वर्तमान में, ये भी वर्तमान में, तो कुल आयु अनुपात में हुआ 6:5 = 11, तो दोनों का कुल आयु मिलाए तो 11 और यहां दोनों का कुल आयु है 44, तो ये भी टोटल इसलिए आपस में बराबर, ठीक है, योग के बराबर योग हो गया, तो 11 × 44 यानी 4 वर्ष हुआ अनुपात 1 का मान, अनुपात 11 = 44 वर्ष, 1 = 4 वर्ष, 1 = 4, तो 11 × 11 = 44, सिंपल। अब देखो तो 1 हो गया 4×20 वर्ष का, क्योंकि 1 = 4 तो 5 है इसका मान अनुपात में, 1 = 4 तो 5 = 5 = 20, 1 = 4 तो 6 = 6 = 24। अब एक बात और समझ लो, एक है 24 वर्ष का, एक है 20 वर्ष का, सवाल कहता है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 8 वर्ष बी बढ़ेगा तो 8 वर्ष ए भी बढ़ेगा, ऐसा थोड़े है कि एक बढ़ेगा एक रुक कर रहेगा, नहीं भाई, आयु बढ़ेगा तो सबका ना, मेरा बढ़ेगा आपका भी बढ़ेगा, अभी सिंपल सी बात। तो चलिए यहां देखिए 20 + 8 = 28 का और ये 24 + 8 कितना हो गया 32 का, इनके आयु का अनुपात का है, तो रेशियो में देख लेते हैं, रेशियो अनुपात मतलब बट्टा होता है, आप काट के देख लो, 32 / 28 है ये, तो 4 से काटोगे 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, यानी दोनों के आयु का अनुपात 8:7 हुआ, कितना दिन बाद 8 वर्ष के बाद, 8 यहां जोड़ लिए थे तो 8 वर्ष बाद के आयु निकाल के रेशियो में निकाल लिए। चलिए मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा सवाल है 10 नंबर। कहता है कि 5 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगी तथा उनके वर्तमान उम्रों का योग 53 वर्ष है, तो बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी। वाह, कहता है कि 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगी, ए और बी के आयु का अनुपात कब, 5 वर्ष बाद, अभी नहीं, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगी, ये रेशियो है 5 वर्ष बाद का। अब सवाल क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात हो जाएगा 4:5 तथा उनके वर्तमान उम्रों का योग 53 वर्ष, ये 53 वर्ष दोनों के योग है, ए प्लस बी दोनों का योग वर्तमान में 53 वर्ष। तो सवाल आगे हम लोगों से पूछता है
कि बी की आयु 2 बरस पहले क्या थी। एक काम करो, ये रेशियो कब का है, ये रेशियो 5 बरस बाद का, तो ये भी 5 बरस बादे का योग रहना चाहिए। ये आयु 5 बरस बादे का रहता तब दोनों का रिलेशन बैठता, नहीं बैठेगा ऐसे। तो ये 5 बरस बाद है ना, तो इसको भी 5 बरस बाद ले जाते हैं, तो कुल आयु में 5 बरस ए बढ़ेगा, 5 बरस बी बढ़ेगा। क्या ए बढ़ेगा और बी रुकल रहेगा? नहीं, दोनों बढ़ेगा। तो सुनिए, 53 और 10 63 वर्ष हो गया, दोनों का कुल आयु कितना हो गया? 63 वर्ष, 5 बरस बाद का हो गया। अब 5 बरस बाद ये भी है, तो देखो 5 बरस बाद होगा 5 और 4 9 अनुपात में टोटल, और रियल में टोटल 63 होगा 5 बरस बाद, तो दोनों आयु है 5 बरस बाद का, इसलिए आपस में बराबर। ये भी 5 बरस बाद का, ये भी 5 बरस बाद का, ये रेशियो में और ये रियल में। 9 का वैल्यू 63, तो 1 का वैल्यू सिंपल सा 7, 9 7 63, 1 का वैल्यू 7, तो यहाँ अगर निकाले तो 7 5 35, 1 का वैल्यू 7, तो 4 का वैल्यू 7 6 28। अब सुनिए, अरे मेरे भाई, ये वर्तमान का आयु नहीं हुआ, चाहे आंसर बी का 35 साल नहीं मान दीजिएगा, पहले देखिए ना ये रेशियो कब का है। ये रेशियो है 5 बरस बाद का, तो ये 5 बरस बाद की आयु पता चला, 5 बरस बाद होगा 35 साल का बी, 5 बरस बाद ना 35 होगा, तो अभी तो 30 का होगा, हाँ अभी 30 का होगा, तब ना 5 बरस बाद 35 होगा, तो अभी का तो 30 होगा। आ कहता है 2 बरस पहले कितना था, तो अभी 30, तो 2 बरस पहले 28, यह तो बात है। सुनिए, यानी आपको निकालना है 2 वर्ष पहले बी की आयु, 2 वर्ष पहले बी की आयु, अरे 35 तो 5 साल बाद होगा, 5 घटा लो आगे वर्तमान में, आ 2 साल पहले पूछा है तो 2 और घटा दीजिए, तो हो गया 28 वर्ष आपका टोटल, ये 2 साल पहले का बी की आयु। उसी तरह ए का आयु कहता तो 28 में से 5 घटा लेते तो 23 हो जाता वर्तमान में, फिर 2 घटा लेते 21 हो जाता 2 साल पहले, या जितना पीछे कहेगा वर्तमान में उतना घटाना वर्तमान में से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आगे देखिए, हमारा प्रश्न होगा 10 के बाद 11 नंबर सवाल क्या कहता है मित्रों, प्रश्न कहता है 4 वर्ष पहले पी एवं क्यू की आयु का अनुपात 3:5 थी तथा उनके वर्तमान उम्रों का योग 56 वर्ष है, तो पी एवं क्यू की आयु का अंतर क्या है। हाँ, आ जाइए, 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:5 थी। सुनिए, पी और क्यू के आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले पी और क्यू के आयु का अनुपात 3:5 थी, 4 वर्ष पहले। चार वर्ष पहले पी और क्यू के आयु का अनुपात 3:5 थी तथा उनके वर्तमान उम्रों का योग 56 वर्ष है, वर्तमान उम्र है ये 56 वर्ष, ठीक है। 56 वर्ष कब का? वर्तमान का, माने अभी का, वर्तमान का। और सवाल कहता है तो पी एवं क्यू की आयु का अंतर क्या है, कहता है कि पी और क्यू की आयु का अंतर क्या है, यही बात ना, तो ध्यान देना है। एक काम करो, ये 56 कब का है? वर्तमान का, और ये कब का है? 4 वर्ष पहले का, तो ये रेशियो 4 वर्ष पहले का है, तो इसको भी 4 वर्ष पहले का पता ये भी होना चाहिए था रियल में, तब चलेगा रिलेशन यहां मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं और इसको देखते हैं क्या करना होगा। 4 वर्ष के पहले का रेशियो, तो इसको भी 4 वर्ष पीछे ले चलिए, तो 4 घटेगा पी इसमें से, ये तो योग है दोनों का, तो 4 साल पीछे पी जाएगा, तो 4 साल पीछे क्यू भी जाएगा, यानी 56 में से 4 4 8 घटेगा, तो 28 वर्ष हुआ 4 वर्ष पीछे गए, तो 4 वर्ष पीछे, सॉरी 48 वर्ष हो जाएगा ना, 56 में से 8 घटा हो गया 48, तो 48 वर्ष हुआ 4 वर्ष पहले पी और क्यू के आयु का योग, और 4 वर्ष पहले दोनों का योग था 8, और रियल में हुआ 48, 8 का वैल्यू 48, 1 का वैल्यू 6, चलो 8 6 48, तो 1 का वैल्यू 6, तो 5 का वैल्यू 6 5 30, 1 का वैल्यू 6, तो चलिए 36 18,
क्लियर है। अब एक बार, ये चार साल पहले ये दोनों के उम्रों का अलग अलग हो गया, ये 30 साल का और ये 18 साल का। तो कहता है कि दोनों के वर्तमान में आयु का अंतर कितना है? अरे भाई, किसी भी दो व्यक्ति का ना आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। चार साल पहले भी जो आयु का अंतर रहेगा वही अंतर अभी भी होगा और वही अंतर आगे भी रहेगा। नारा समझ में बात, देखिए समझ में आएगा। पहले 30 में से 18 घटा लो, अंतर पूछा है तो 30 में से 18 घटा है तो कितना, 12 वर्ष का अंतर चार साल पहले रहा होगा, क्योंकि ये चार साल पहले का निकाले, 12 वर्ष का अंतर, तो अभी भी 12 साल का अंतर होगा। कैसे, सुनिए, अगर आप दो भाई हैं मान लीजिए, और आपका भाई अगर मान लो आपसे 3 साल छोटा है, तो सुन लीजिए, आज से 5 साल पहले भी आप 3 साल छोट रहे होंगे, या आपका भाई आपसे 3 साल छोटा होगा तो आज भी वो 3 साल छोटा होगा, 2 साल बाद भी वो आपसे 3 साल छोटा रहेगा, और जब बूढ़ा जाइएगा, एकदम बूढ़ा हो जाइएगा, उस समय भी आपका भाई 3 साल छोटा होगा, और अगर आप छोटा होंगे जितना पहले उतना अभी भी और उतना आगे भी रहेंगे। यानी किसी भी दो व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, या तो वर्तमान से पहले हो या वर्तमान के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गया होगा समझ में? चलिए, तो आयु का अंतर 12 वर्ष, ये 4 साल पहले था, अभी भी 4 साल, अभी भी वर्तमान आयु का अंतर 12 वर्ष ही होगा। आगे बढ़ते, चलिए दोस्तों, 12 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, प्रश्न कहता है देखिए, 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:3 था, एवं 4 वर्ष बाद 5:4 हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:3 था, और कहता है 4 वर्ष बाद 5:4 हो जाएगी, 4 वर्ष बाद 5:4 हो जाएगी। ध्यान देना है एक बात, एक ही वर्तमान आयु क्या है। देखिए ऐसा सवाल पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, सुनो सिंपल सवाल, इसमें अंतर कितना का, एक का, इसमें अंतर कितना का, एक का, अंतर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, यहां से बैलेंस करके अंतर किए थे, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एक से पढ़ाया है तो आप देख लीजिएगा, अंतर एक है तो लिख लिया, अब बराबर में लिख देना है इसको, दो रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा के, माने दो टाइप का है, ए वो है पहले, वो है बाद, दो रंग हो गया, दो तरफ का है तो जोड़ लो, 5 × 4 = 9, एक का वैल्यू 9 हो गया। आपसे सवाल पूछता है एक ही वर्तमान है, एक का वैल्यू 9 तो यहाँ से एक का निकाल सकते हो, एक का आयु यहाँ भी है यहाँ भी, एक का वैल्यू 9 तो 5 का वैल्यू 9 × 5 = 45, 45 हुआ कब, ये 4 वर्ष बाद का है, ये 4 वर्ष बाद का है नरेश, जो तो ये 45 साल हुआ, 4 वर्ष बाद होगा, 4 वर्ष बाद होगा वो 45 का, तो वर्तमान में तो 4 कम में ना होगा, 4 वर्ष बाद का ये उम्र है, 4 घटा लो 41 वर्ष हुआ वर्तमान में। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, देखो एक का वैल्यू 9 तो यहाँ 4 का वैल्यू 9 × 36, तो 36 साल का कब हुआ, ये 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ही वो 36 साल का था, तो वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ ना दीजिए, तो 36 में 5 जोड़ दीजिएगा 41 वर्ष ना हो जाएगा, कितना आसान है ना मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेरह नंबर सवाल, सवाल कहता है 60 वर्ष पूर्व अभिषेक एवं ऐश्वर्या के उम्रों का अनुपात 6:5 था, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 11:10 होगा, ऐश्वर्या की वर्तमान उम्र क्या है? ऐसे ही तो बनेगा सवाल, बना लीजिएगा और 14 नंबर बनाइएगा, लेकिन 14 नंबर बन जाएगा आपसे, पिता पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 18 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 2 वर्ष बाद क्या होगी, ये सिंपल है। अच्छा ऐश्वर्या अभिषेक वाला ये 60 नहीं होगा, 60 नहीं, इसको 6 कर लीजिएगा, 60 गलती से है, ठीक है ना, वो 6 वर्ष, ठीक है, और अभी पिछला सवाल बनाया उसी टाइप का है तो बन जाएगा। और एक सवाल अगला है आपका जो 14 नंबर, वो सवाल कैसे है, सवाल है कि एक आदमी अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है, एक मैन, मान लो एक मैन जो है अपने सन से 4 गुना बड़ा है, तो ये हो गया आयु का रेशियो, 4 गुना बड़ा हो गया ना ये, तो ये 4। अब सवाल कहता है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 18 वर्ष, इसका अंतर भी 18 दे दिया है, ये अंतर है तो इसका अंतर करो, 4 एक का अंतर कितना हुआ 3, जब ये योग रहता तो इसका योग करते, 4 एक 5 लिखते, लेकिन ये अंतर है दोनों का, तो 4 एक में अंतर 3,
और रियल में अंतर 18, ये भी अंतर आपस में बराबर, एक का वैल्यू 6। तो सवाल कहता है तो सॉरी सवाल कहता है तो पुत्र की उम्र 2 बरस बाद क्या होगी, एक का वैल्यू 6 तो यहाँ भी एक का वैल्यू 6, ये 6 वर्ष अभी है, तो सवाल कहता है तो पुत्र की उम्र 2 बरस बाद क्या होगी, अभी 6 का है, 2 साल बाद 6 2 8 साल का हो जाएगा, है ना, बड़ा सिंपल। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्नों को जो रेशियो से संबंधित होता है एवरेज में भी आप इसे आसानी से कर लेंगे। और एक बात, मैं आज टाइप 1 का अपने मटेरियल का टाइप 1 का क्वेश्चन दे देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में, SSC रेलवे बैंक सब में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आसान ही होता है टाइप 1 में। तो चूंकि मैं 5 टाइप तक पढ़ाया हूँ तो इधर जो मैंने बेसिक बात बताया ना उसी पर बनेगा, तो मैं यहाँ दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप पर PDF मांगते रहते हैं और PDF सेंड करना प्लीज़ बहुत मुश्किल है, कि इतने लोग व्हाट्सएप पर जुड़ गए हैं कि अगर मैं आप लोग को सिर्फ PDF भेजूँ ना तो हमें लगता है कि दिन भर हम PDF भेजेंगे और आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए नहीं भेज पाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका हम यहाँ पर दे देते हैं, मैं दे देता हूँ, और यहाँ पर क्वेश्चन जो टाइप 1 का है आप लोग बनाइएगा जरूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ वही बात, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।